हम एंड गेट का तीन इनपुट का सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंड गेट जो हमारा होता है वो किस प्रकार का होता है। हाँ, तो ये हमारा एंड गेट है और एंड गेट का ये हमारा क्या है, तीन इनपुट का सिंबल है। पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, और वाई इक्वल टू होता है ए डॉट बी डॉट सी होता है। ठीक है, ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, ये हमारे सिंबल हैं, किसका, एंड गेट के सिंबल हैं। अब इन्हीं का जो है हम सर्किट डायग्राम सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मैंने आपको बताया था, एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम होता है, जो उनके इनपुट होते हैं वो हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज श्रेणी में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। तो चलिए हम जोड़ देते हैं, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट और तीसरा इनपुट। जोड़ने के बाद हम यहाँ से सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद यहाँ पर एक लैंप लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा लैंप हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये हमारा स्विच वन, स्विच टू एंड स्विच थ्री। तीन इनपुट है तो तीन स्विच, चार इनपुट्स होंगे तो चार स्विच। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले मुझे कितने रो, कितने कॉलम बनाने होते हैं, ये मुझे पता कैसे होता है, तो ये हम फार्मूले से पता करते हैं। फार्मूला होता है 2 के पावर n। n क्या है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट। तो अगर हम देखते हैं कि 2 के पावर n है, तो 2 के पावर अगर हमारा तीन इनपुट है तो तीन होगा, तो कितना होगा, 8। अब हम देखिए सर्किट ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कितने कॉलम बनाने होंगे, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और एक आउटपुट के लिए होगा। ठीक है, अब हमें रो बनानी होगी, तो कैसे रो बनाएंगे, कितने रो बनाना होगा, तो पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट और वाई इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो 8 हमको रो बनाने होंगे, तो चलिए देखते हैं 8 रो बनाकर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और एक 8। ये हमारे 8 जो है रो बन गए। अब इसे भरने की बात आती है, तो सबसे पहले कैसे भरते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में 0 और 1 को ही इंडिकेट किया जाता है। 0 का मतलब आप से और 1 का मतलब ऑन से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 को भरते हैं। कैसे भरेंगे, तो देखिए तीन इनपुट है तो कितना भरेंगे, 8 का आधा कितना, 4, तो 4 0 और 4 1। दूसरा जब हम कॉलम भरने की बात आएगी तो कैसे भरेंगे, तो 4 0 का आधा कितना होता है, 2 0, और 4 1 का आधा 2 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना हो जाए। तीसरे जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं कैसे भरेंगे, तो 2 0 का आधा 1 0, 2 1 का आधा 1 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना हो जाए। ठीक है, भरने के बाद ये जब हम तीनों कॉलम को भर दिए तो कैसे हम इसे वेरीफाई करेंगे, चलिए वेरीफाई करने देखते हैं। देखिए पहला इनपुट, दूसरा इनपुट और तीसरा इनपुट, तीनों इनपुट में हमारे ऑफ स्थिति है, सप्लाई यहाँ से गया, तीनों ऑफ स्थिति में है, तो क्या लैंप ग्लो करेगा, नहीं करेगा। दूसरा में देखिए 2 ऑफ स्थिति, तीसरा ऑन स्थिति, क्या लैंप ग्लो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, शून्य होगा। इसमें देखिए पहला ऑफ स्थिति, दूसरा ऑन स्थिति, तीसरा ऑफ स्थिति, तो क्या सप्लाई जाएगा आगे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। इस पहला में देखिए ऑफ स्थिति, 2 ऑन स्थिति में है, क्या लैंप ग्लो करेगा, नहीं करेगा, तो ऑफ स्थिति यानी शून्य होगा। पहला ऑन स्थिति यानी स्विच ऑन हो गया, 2 ऑफ स्थिति में है तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। पहले में ऑन है, दूसरे में ऑफ है, तीसरे में ऑन है, तो यहाँ सप्लाई तो ओपन हो गया, फिर आगे बढ़ा ही नहीं तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। 2 ऑन स्थिति, तीसरा ऑफ स्थिति, यहाँ तक तो सप्लाई आई मगर ये सर्किट आगे क्लोज नहीं करेगा, ये ओपन स्विच है तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। तीनों में जो है स्विच ऑन स्थिति में है तो हमारा लैंप ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम से ट्रुथ टेबल हमारा वेरीफाई हो गया।
आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे हम ट्रुथ टेबल से सर्किट डायग्राम वेरीफाई करते हैं, कैसे हम ट्रुथ टेबल को भरते हैं, फार्मूले के तौर पर हम कैसे निकालते हैं ट्रुथ टेबल को, ये सारा चीज़ आपने सीख लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये एंड गेट का, 3 इनपुट का सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 4 इनपुट का सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल कैसे निकालते हैं।